बेचने हैं रोटी के, तुमने कपड़े खरीदने किसने हैं, करप्शन वाले कपड़े, गंदगी वाले कपड़े किसने खरीदने हैं, डेढ़ फुटिए के कपड़े, कपड़ों का किसने क्या करना है, कपड़े पहनते कैसे हैं, जैसे पोस्टमैन कपड़े पहनता है, उसके कपड़ों में है क्या, मुझे इतना दुख लग रहा था उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, लाइक उसने बंदी ने जवाब होता कोई नहीं, पता तो है आपको मायदा अमीद हो या ये लोग हो, ये ऐसे कपड़े सीते सीते दर्जन थी बेचारी, एक कपड़े सीते सीते जो है ये बंदी एमपी एक, तो इनसे कोई सवाल पूछे इनके पास जवाब होता कोई नहीं तो ये भाग जाते हैं फिर यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली फलक जावेद। फलक, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना स्पेशल टाइम मुझे दिया। बात करेंगे स्पेशली जो आज के हॉट टॉपिक चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, टेक्नोक्रेट एक सेटअप आने जा रहा है। फलक थोड़ा सा मैं, अगर आपको, मेरा ख्याल पता ही होगा टेक्नोक्रेट्स का, पता है ना क्या होता है, इसी के ऊपर आज तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये जो बड़े तजुर्बाकार बन गए आए थे कि हट जो सानू काम करन दे, सानू सारा कुछ आंदा है, वो भागने लग गए हैं टेक्नोक्रेट सेटअप के पीछे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन्होंने खोते ना खोता बटाया है, लाइक खोता तो खोता होता है, चाहे कोई इंपोर्टेड या लोकल हो तो वो तो खोता ही होता है ना, मिफ्ता हो या सागर हो, तो बेसिकली इनको तो कर्जे लेके मुल्क चलाने की आदत थी, अब कर्जा इनको मिल नहीं रहा, कोई इनको मुंह लगा नहीं रहा है, तो किस तरह मुल्क चलाएंगे बताए ना। तो अब इन्होंने एक नया थोड़ा सोचा कि हम टेक्नोक्रेट्स को ला रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स भी क्या कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर, जब तक कोई आवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं आती है टेक्नोक्रेट्स भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा आपको लगता है वो भी नहीं ज्यादा देर चलना पता है इनका? नहीं, मुल्क के अंदर है कुछ ना, अब ये तो वक्रे साइंसदान बने हुए ना, इन्होंने तजर्बा किया ना पहले 8-9 माह पहले, तो मुल्क का क्या हाल कर दिया, जब तक मुल्क के अंदर अवाम की हुकूमत नहीं आती मुंतखब करदा, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे जो मर्जी आ जाए, खाली मखलूक तो ऐसी ही बैठी हुई है, टेक्नोक्रेट्स को बुला के भी देखते क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये अब भाग रहे हैं इलेक्शन से कि टेक्नोक्रेट सेटअप आज 2 साल आगे चले जाए, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इन्हें भी आगे पहुंचा दें। इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि कल नहीं करना, आज ही करें आप सुबह के सुबह, आज फिर पता लगा ये भाग गए हैं इलेक्शन कमीशन के पीछे जाके अब छुप गए हैं, क्या कहेंगे जरा? पत्रकारों को तो शुरू से भागने की आदत है ना, आपको बता दी उनकी तो प्रैक्टिस है भागने की, बचपन से भाग ही रहे हैं सारे, चाहे उनके लीडर्स हो या वो तो भागते रहते हैं, तो वो तो मुकाबला कर सकते हैं ना खान साहब का, 13 पार्टीज मिलकर मुकाबला नहीं कर पा रही है, पूरा काम मिलकर मुकाबला नहीं कर पा रहा है, और आप देखिए इन्होंने क्या करवाने आम इंतखाबात, ये तो बल्दियाती इंतखाबात कराने जोगे नहीं रहे हैं, इनको पता है इनको बहुत मार पड़नी है, और ये वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, इनको पता है जब जिस टाइम अवाम में गए जाएंगे इनको बहुत मार पड़नी है, गुस्सा बहुत है अवाम के अंदर, ये अवाम के हत्थे नहीं चाड़ रहे हैं, तो वो क्या ठीक है अवाम के पास इलेक्शंस करवाना, वहां पे आ नहीं रहे, 13 मतलब इमेजिन करें 13 पार्टीज हैं और पूरा निजाम है, और ये खान साहब का मुकाबला फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अक्सर अक्सर मैंने देखा नून लीग के ही सोशल मीडिया के बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आगे लिख रहे होते हैं नीचे के सियासी कचरा इकट्ठा करके नियाजी बैठ गया पार्टी बना के, कुछ ऐसी लाइनें लिख रही होती हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि 13 जमाते किसकी हैं और बातें किसकी हैं, सारे नकारा पुर्जे इकट्ठे हैं, और देखिए इतनी जुरत नहीं है ताकि कि खान साहब का मुकाबला कर सके, ऐसे भाग रहे हैं ये लोग ना, और देखिए अदालतों को देखें, मतलब खान साहब एक अदालत है उस वक्त की एक बंदी को सिर्फ इतना कह दे कि हम आपसे मतलब पूछेंगे तो उनके तोहिन अदालत लग जाती है, अब कहाँ पे है तोहिन अदालत भाई, कल आपने कहा इलेक्शंस करवाएं तो बुलाएं इनको अंदर, क्यों नहीं इनको अंदर करवा रहे हैं, ये वैसे समझ नहीं आती, ये वैसे मेरी भी समझ नहीं आती, खान को छोटी बात करते तो फौरन से पहले तोहिन अदालत लगाओ, ये फैसले मान अच्छा इनका मुकाबला बहरहाल जिस बंदे से हुआ है उसकी तारीफें दुश्मन भी कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों देखा होगा हिना परवेज का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उससे सवाल किया कि खान में कौन सी क्वालिटी है जो आप कहेंगी कि काश मुझ में होती, कहती है नर्व का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, गिव अप नहीं करता, ये वो चीजें, और इस बंदे का मुकाबला किस बंदों से हो रहा है जो कहते हैं आसमान से सिलाब गिर रहा है, टांगे कांप रही हैं, मुझे इतना दुख लग रहा था उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, लाइक उसने बंदी ने जवाब होता कोई नहीं, पता तो है आपको मायदा अमीद हो या ये लोग हो, ये ऐसे कपड़े सीते सीते दर्जन थी बेचारी, एक कपड़े सीते सीते जो है ये बंदी एमपी एक, तो इनसे कोई सवाल पूछे इनके पास जवाब होता कोई नहीं तो ये भाग जाते हैं फिर यहाँ से, तो खान साहब को तो ये है कि खान साहब को सब जानते हैं, उनको पता है कि खान साहब की तारीफ करूंगी लोग सुनते हैं खान साहब को, है ना, खान साहब की बुराई करो या तारीफ करो लोग सुनते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है शोहरत हासिल करने का, और कोई मसला नहीं है, बाकी तो खान साहब के तो मुखालिफिन बहुत बड़े बड़े, ये क्या चीज है, वो खान साहब की मुखालिफी कहाँ से आ गई, आप मुखालिफिन को आसान ले रही हैं, वो आसमान से सिलाब गिरा देते हैं, पलक आप सुन नहीं रही, आप सुन नहीं रही, आप सुन नहीं रही, वो आसमान से सिलाब गिरा देते हैं, आप उन्हें हल्के में ले रही हैं।
सकते हैं भाई, आस पास सैलाब गिरते हैं, ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई सिस्टम भी ठीक नहीं है, कोई पुर्जा ही ठीक नहीं है बचाने का, उसका टेक्निकल फॉल्ट है। और देखे देखे कि ये लोग मिलके हमारे माइंड में डाल रहे हैं कोई इस बंदे को हमारा वजीर आजम बनाना है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि सैलाब नहीं गिरता बारिश गिरती है, उसको आपने वजीर आजम बनाना है। तो कमाल है भाई हमारे मुल्क के ऊपर भी बहुत बुरे हालात। अच्छा आजकल शिबाशिव साहब के ऊपर बड़ी ट्रोलिंग हो रही है, वो कह रहे थे कपड़े बेच के मैं आटा सस्ता करके रहूंगा। अभी दो दिन पहले ही न्यूज आई है कि जो नान भाई हैं वो कह रहे हैं रोटी हम करने जा रहे हैं 25 की और नान करने जा रहे हैं 35 का। ये कपड़े बड़े सस्ते तो हैं, ये क्या सीख हुआ ये? मैं तो कहती हूँ जी 25 की रोटी 30 का नान, लुट के खा गए सारा पाकिस्तान। तो इनका तो वो सारा ही पूरा पाकिस्तान लुट के खा गए हैं। कपड़े क्या बेचते हैं, करप्शन वाले कपड़े, गंदगी वाले कपड़े किसने खरीदने हैं, डेढ़ फुटिए के कपड़े? ये है कि जो उन्होंने माल लूटा है ना वो निकलवाया जाए इनसे, ताकि अगर आपने मुल्क चलाना ना, जो पैसा उन्होंने खाया है, जो जायदाद उन्होंने बनाई है वो वापस लेकर आए तो चलेगा मुल्क। इनके कपड़ों का किसी ने क्या करना है? कपड़े पहनते कैसे हैं? जैसे पोस्टमैन कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़ों में है क्या जो किसी ने खरीद रहा है? फैशन है इतनी गंदी, किसने लेने कपड़े उनके? अच्छा लास्ट पे आते हैं जी, चार चार बीवियां रखी हैं उन्होंने, तो उनके तो वैसे ही बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने क्या मुल्क चलाया है, सारा कुछ तो खा पी गए हैं वो। हाँ मुझे ये चीज नहीं वैसे आज तक समझ आई, उस तरफ से इतनी इंतहाई घटिया एक मुहिम स्टार्ट की जाती है खान साहब के ऊपर, स्पेशली खवातीन के ऊपर, लेकिन यहाँ से उस लेवल का कभी जवाब नहीं दिया गया। फिर ये कहते हैं कि गंदगी मुतारिफ करवाने वाले इमरान खान, तलखियां लाने वाले इमरान खान, हालांकि यहाँ से कोई ऐसा जवाब नहीं जाता। तीन निकाह किए, शरी तौर पर निकाह किए, ठीक है, शहबाज शरीफ की ऑफिशियली चार बीवियां, वैसे उसकी 8, 10, 12 पता नहीं कितनी कितनी बीवियां थी। आशा औहत में बाप और बेटे ने एक ही गर्लफ्रेंड रखी हुई थी, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। और सारा प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ करते हैं? इमरान खान के खिलाफ। उसने निकाह किया, मतलब आप निकाह का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तीन निकाह करना कौन सी बिग डील है, मतलब सभी करते हैं निकाह, तो निकाह किया उसने, सुन्नत पे अमल किया है। आपने इतनी शादियां की हुई है और उसने आज तक अभी ये नहीं कहा कि कितनी शादियां की हुई है। शहबाज शरीफ देख लें, नवाज शरीफ देख लें, इनकी बेशुमार किस्से आपको नजर आएंगे। मरियम नवाज देख लें यार, मतलब इतने से किस्से इनके, इना परवेज भट्ट देख लें आप, इनकी उठा लें ना हिस्ट्री तो आपको एक से बढ़कर किस्से मिलेंगे। मगर खान साहब का अपना एग्जाम्पल है कि वो जवाब देना पसंद नहीं करते। और जो एक सस्ती औरत है रेहम खान, उसको देख लें आप, मतलब अपने बच्चे से उसने ब्याह कर लिया एक छोटी उम्र के लड़के से, उसके बाद वो तस्वीर लगाने में लगी हुई है, कभी चल के अगर आपको होता कोई इशू तो आप तलाक मांगती उनसे। खान साहब ने आपको छोड़ा, आपने खान साहब को नहीं छोड़ा था। तो अभी जो आप बाद में अलग बात फिर रही है ना, तस्वीर लगा रही है, कब तस्वीर लगाए बीबी, बाद में आपका मसला होगा किताब लिखने में। फिर तो मैं तो कहती हूँ मैंने तो उनकी तस्वीर के नीचे कमेंट कर दिया था लड़के को, मैं क्या भाई ध्यान से बच के रहे, मुझे लग रहा है अगली किताब का टाइटल आप होने जा रहे हो। अच्छा जी, अच्छा मरियम नवाज पे आते हैं। छोटी सी एक सर्जरी करवाने गई थी, इतना टाइम लग जाता सर्जरी को, सर्जरी हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही। पंजाब के पटवारी थे ना बेचारे, उनके बच्चे जवान हो गए, खुद बूढ़े हो गए, कुछ मर गए, लेकिन उनकी मालकिन वापस नहीं आई जो सर्जरी कराने गई थी। तो ये तो वापस नहीं आते, इनको नहीं वापस आने वाले, कि बहुत डरपोक फैमिली है। देखिए भाई वजीर आजम बैठा हुआ है, चाचा वजीर आजम बैठा हुआ है, लेकिन खानदान में इतनी जरूरत नहीं कि वापस आ जाए। सबको उन्होंने सर्जरी के पीछे लगाया हुआ है और वो खुद वापस नहीं आने वाले। अभी मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, पटवारी जिंदाबाद। जब तक जिंदा रहेंगे गधे गधे नारे लगाते रहेंगे तब तक इनकी चलती रहेगी सियासत, वापस कोई नहीं आने वाला अभी कोई जल्दी। उम्मीद ही कर सकते हैं खान साहब आने वाले, उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह कोई हदायत दे। उम्मीद आपको लगता है वैसे कि आ जाएगी कभी? उम्मीद है कोई? देखिए अल्लाह भी देता है हदायत मांगने वालों को, ये तो खुद ही शैतान बन गए हैं, इनको क्या हदायत मिलनी है, ये तो मुनकर है, ये तो उनके तो कितना पर्दा आ गया दिल के ऊपर भी, मोहर लग गई भी, इनका वो हिसाब हो गया कि तो नहीं बाज आने वाले। मतलब एक बंदे इतने बीमार है, वो कुछ खा पी नहीं सकते, उनको 100 तरह की बीमारियां, बकौल उनकी बेटी के 4 को हार्ट अटैक हो गए हुए हैं, लेकिन वो तौबा नहीं कर रहे अभी भी। तो ये नहीं बाज आने वाली कौम है, ये बेगैरत है, ये गुमराह कौम है, ये इनको तो एक ही हाल है। दुआ कर ले, मेरा ख्याल दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हिदायत दे, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। चले अपने पास ही बुला ले, वो पंजाबी में कहते हैं या अल्लाह ही अकल दे दे या मौत दे दे। चले थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए फलक, थैंक यू सो मच।
नाजरीन इसी के साथ उस्मान मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।